बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मेरी के मैं किचन में बनने जा रहा है पराठा रोल, तो जिस जिसने ये सीखना है वो जल्दी से कर ले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। चलें फिर जल्दी से शुरू करते हैं ये मज़ेदार सा पराठा, जिसको आप घर पर भी खा सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी देख सकते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए हैं मेन्यूज़ के पॉपकॉर्न चिकन, इसको आप घर पर भी बना सकते हैं। अगर मेरी आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मैं आपको इसको घर पर बनाने का भी तरीका बताऊँगी। चिकन पॉपकॉर्न को इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसे मैंने लाइट फ्लेम पर पकने रख दिया है। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ पूनम पराठा, आप ये भी पराठा घर पर बना सकते हैं मैदे का। एक्चुअली ये चटपट बनने वाली डिश है, जो फ़ौरन से आप अपने बच्चों को और अपनी भूख को ख़त्म कर लें। तो इसके लिए ज़्यादातर ये मैं बाज़ार की चीज़ें ही यूज़ कर रही हूँ। ये चीज़ों के साथ ये ज़्यादा क्रिस्पी और बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट देगा। यहाँ पर मैंने प्याज को गोल छल्लों की तरह काट कर इसके अंदर मैंने सिरका डाल दिया है। सिरका ज़्यादा डालना है ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी जो है कड़वाहट भी ख़त्म हो जाए और जो हम टेस्ट लाना चाह रहे हैं वो भी आ जाए। क्रीम जो है वो आपने 1 स्पून लेनी है, टीस्पून, और मायो आपने 2 टीस्पून लेनी है। अब आप जितने पराठे बना रहे हो उसके मुताबिक आप इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने दही की चटनी ले ली है, चिकन मेरा रेडी हो चुका है और ये मेरे पराठे। इधर आ गई थोड़ी सी कैबेज और इसकी जगह आप सलाद पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं पराठे को पकाने लगी हूँ लाइट फ्लेम पर। आप इसको कुक करें, आप घर पर अगर मैदे का पराठा बनाएंगे तो वो भी इसके लिए सही रहेगा, लेकिन ये कि अगर बिल्कुल आप सेम बाज़ार का टेस्ट चाहते हैं तो आप ये वाले पराठे ले आएँ। इधर बटर पेपर ले लिया है, बटर पेपर को रोल करूँगी मैं इसके अंदर। ये मेरा पराठा आ गया, मज़ेदार सी रेसिपी मेरी रेडी हो चुकी है, बहुत इजी, बहुत चटपट बनने वाला और ये इतना यम्मी है कि बच्चे बस कहेंगे कि मम्मा हमें रोज़ ये बना के। तो बच्चों को वैसे चिकन दो पराठा दो वो नहीं खाएंगे, लेकिन आप इस तरह से थोड़ी सी मेहनत करके उनको खिलाएंगे तो वो लाजमी खाएंगे। और ये एक प्रॉपर मील है, इसको आप नाइट में भी ले सकते हो, लंच में भी ले सकते हो, जिस टाइम आपको इसका दिल करे। आप कुछ चीज़ें अपने घर पर 24 आवर, और चिकन आप इसकी जगह दूसरा भी यूज़ कर सकते हो और आपकी भूख इस तरह से भागेगी आपके साथ झगड़ के बल्कि वो कहेगी मुझे रोज़ ही लग गई हूँ, मैं रोज़ ही लग गई, मेरे लिए रोज़ बनाओ। ये इतने सारे इमोजीज, इतने सारी मज़े, बस मैं क्या बताऊँ। लड़कियों जल्दी से इसको बना लो। बारबेक्यू सॉस भी मैंने इसके अंदर डाली है, ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो आप डाल लो, अगर स्किप करना चाहते हो तो स्किप। अच्छा, कुछ सीधी सारी मदर्स होंगी, परेशान होंगी होंगी पॉपकॉर्न कैसे बनेंगे, चिकन पॉपकॉर्न आप उसकी जगह मैंने मैक्रोनी में जो चिकन बनाया था, चिकन जो जिस तरीके से नमक और मिर्च लगा के, आप उस तरह का चिकन बनाकर भी इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। उसके लिए आप मेरी मैक्रोनी वाली रेसिपी को अगेन देख लें और वहाँ से आपने वो वाला चिकन भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसको अच्छी तरह से रैप कर लिया और ये बहुत आसानी से हाथ में पकड़ा जाता है और इसी तरह से इसको खाना है, खोल के रोटी सालन की तरह नहीं खाना। ये मैंने आयुष को स्कूल में लंच बॉक्स में बना के दिया था, इस तरह के लंच बॉक्स बना के दिया करें, देखे किस दिन खाली आता है। आई होप यू विल लाइक माई पराठा रोल रेसिपी। सो गर्ल्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल टू सी द मोर वीडियो।